टिकटॉक का खुमार पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। लाखों लोग टिकटॉक पर अपने वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। ऐसा करने में अब पुलिस वाले भी पीछे नहीं। यूपी पुलिस में तैनात महिला पुलिसकर्मी की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यार कड़िए पहले तो भाई तमीज तो बोल ले कड़िए जी। दरअसल महिला पुलिसकर्मी प्रियंका शर्मा की तैनाती मथुरा की पुलिस लाइन में है। महिला पुलिसकर्मी प्रियंका शर्मा लॉकडाउन के कारण लगातार ड्यूटी कर रही है। ऐसे में जब भी प्रियंका को मौका मिलता है तो वो ड्यूटी पर ही टिकटॉक वीडियो बनाती हैं। इस दौरान प्रियंका के साथ ही पुलिसकर्मी भी उनके इस वीडियो में सहयोग करते हैं। अलग अलग अंदाज में वो अपने नए नए टिकटॉक वीडियो बनाती हैं। कभी बाइक चलाते हुए तो कभी बंदरों को खाना खिलाते हुए तो कभी अपने नाम की नेम प्लेट के साथ इन वीडियो को बनाती हैं। आपको बता दें कि प्रियंका शर्मा 2016 में यूपी पुलिस में भर्ती हुई थी। इससे पहले वो नौझील में तैनात थी। 4 जनवरी 2020 को नौझील थाने से प्रियंका को पुलिस लाइन में शिफ्ट कर दिया गया था। लॉकडाउन के चलते उनकी ड्यूटी चौक बाजार और भरतपुर गेट चौकी के आसपास के क्षेत्रों में लगाई गई है। ये इलाके हॉटस्पॉट क्षेत्र में है। ऐसे में प्रियंका द्वारा ड्यूटी पर टिकटॉक वीडियो बनाने के बाद काफी सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल महिला सिपाही के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की किरकिरी के चलते आला अधिकारियों ने भी चुप्पी साध रखी है। हालांकि मामला अधिकारियों के संज्ञान में है। ऐसे में महिला सिपाही पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।